Welcome back to my YouTube channel, friend. Today we are going to discuss the topic that is bones of forelimb and bones of hindlimb. तो आज के इस वीडियो में हम bones of hand, hand के सारे bones और leg के सारे bones को याद करेंगे. ये एक requested topic था कि मुझे bones पे एक trick बनाना था, तो मैंने आज बनाया. तो कैसे हम याद कर सकते हैं bone? हाथ के पहले हम hand के याद करेंगे, फिर हम leg के बारे में बात करेंगे. तो hand के bones का नाम हम याद कर सकते हैं हमारा current market price. मतलब मान लो आप कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो आपका मार्केट प्राइस करेंटली कुछ चलता होगा. आप अपने दोस्तों या किसी को बोलोगे हमारा करेंट मार्केट प्राइस, एच से हमारा, क्योंकि देखो हमारा में एच और आर भी आएगा, इसलिए देखो हमेरा मैंने लिखा हमारा, तो एच यू एम ई, इसका मतलब है पहला बोन, इसका मतलब है दूसरा बोन, इसका मतलब है तीसरा बोन, इसका मतलब है चौथा, इसका मतलब पाँचवा. कैसे? तो हमारा ये एम है, एच एम आर, हमारा करेंट मार्केट प्राइस. तो एच एम से याद रखना आपको ह्यूमरस, ह्यूमरस. आर से रेडियस एल एंड अल्ना. जब रेडियस पढ़ोगे तो साथ में इसको भी बोलना, रेडियस अल्ना एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा. हमारा करेंट मार्केट प्राइस, एच एम से ह्यूमरस, आर से रेडियस एंड अल्ना, सी से कार्पल, एम से मेटाकार्पल और पी से फैलेंजेस. याद हो गया बोन्स ऑफ फोरलिम्ब. तो कैसे याद करेंगे? हमारा एच एम आर, हमारा करेंट मार्केट प्राइस, एच एम से ह्यूमरस, आर से रेडियस अल्ना, सी से कार्पल, के बाद मेटा लगा देना, फिर फैलेंजेस, आगे मेटा लगा देना, फिर मेटा कार्पल, ये सेम है. अब देखो बोन्स ऑफ लेग हिंडलिम बोलते हैं. कैसे याद रखना? फ्लाइट टिकट टू मच प्राइस, मतलब अगर आप कहीं से ट्रेवल करोगे फ्लाइट से, तो आपको, हमें सबको पता है कि फ़्लाइट टिकट बहुत महंगा होता है, ठीक है. इन कंपेयर, किससे कंपेयर अगर हम करेंगे, ट्रेन से, बस से अगर करेंगे, किसी कंपेयर करेंगे, तो फ़्लाइट टिकट जो होते हैं वो टू मच प्राइस होते हैं ना उनके. तो आपको कैसे याद रखना है? फ़्लाइट में आपको एफ़ याद रखना है, टी से टी याद रखना है, टू से टू याद रखना है, मतलब टी टी याद रखना है, मच से एम याद रखना है, पी से प्राइस से पी याद रखना है. कैसे रखना? फ़्लाइट टिकट टू मच प्राइस, फ्लाइट टिकट टू मच प्राइस. एफ फॉर फीमर, फीमर जो होता है थाई बोन होता है, ये लॉन्गेस्ट बोन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है फीमर. टी से वैसे ही टीबिया एंड फिबुला, जैसे वहाँ पर आर से रेडियस अलना था, ऐसे टीबिया के साथ फिबुला आएगा. अब देखो टार्सल, टी से टार्सल आ गया, टार्सल के बाद एम एथ, मतलब मेटा, मेटा के बाद क्या लगा होगा टार्सल, ऐसे इसमें भी था सी एम पी था, सी से क्या था कार्पल, कार्पल के बाद क्या मेटा कार्पल आ गया, तो ऐसे ही टार्सल, टार्सल के बाद मेटा टार्सल, और पी से फैलेंजेस, ठीक है. तो फैलेंजेस फैलेंजेस सेम है. कैसे आपको याद रखना है दोनों? तो हैंड पहले हाथ का याद रखना है, फिर लेग का याद रखना है. तो हैंड का आपको क्या याद रखना है? हमारा हमारा करेंट मार्केट प्राइस, जिसका मतलब है एच से ह्यूमरस, आर से रेडियस अल्ना, ये एच एम का मतलब ही ह्यूमरस है, कंफ्यूज मत होना, एम से मत ढूंढना कुछ भी. एच एम से ह्यूमरस, एच से रेडियस अल्ना, सी से कार्पल, एम से मेटा कार्पल, पीछे पी से फैलेंजेस. ऐसे ही फ्लाइट टिकट टू मच प्राइस, ये एम पी एम पी लास्ट में सेम है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो. तो ये लेग का हिंडलिम का हम पढ़ेंगे. एफ से फीमर, टी से टिबिया एंड फिबुला, और फिर टी से टार्सल, टार्सल क्या आ जाएगा मेटा टार्सल, पी से फैलेंजेस, ऐसे आप याद कर सकते हो. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. Thank you.